स्कूल में इस छुट्टी वाले सीन को देखने के बाद डायरेक्ट अपना बचपन ही आ जाता है ना, क्यों बच्चे है ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज से मैं एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आने वाले 10 दिनों के लिए, आज तारीख है 7 फरवरी, तो आने वाले 10 दिनों के लिए मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। नो मैटर वीडियो की लेंथ क्या होगी, आइदर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, अप टू 10 मिनट, 20 मिनट लेंथ क्या होगी मुझे पता नहीं, मगर आने वाले 10 दिनों के लिए मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। सो इस चीज़ के लिए मैं अभी खुद को तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये, मैं इन चीज़ों में विश्वास रखता हूँ कि जब तक आप कंटेंट रेगुलर क्रिएट नहीं करेंगे, कंटेंट रेगुलर पोस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपकी ऑडियंस बिल्ड नहीं होगी। तो टू बिल्ड माय ऑडियंस एंड टू ग्रो माय कम्युनिटी, आई एम गोइंग टू डू दिस हैशटैग 10 डेज चैलेंज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं लास्ट ईयर क्रिसमस डे से यहाँ साउथ इंडिया में हूँ। मैं लास्ट ईयर 2021 में क्रिसमस के टाइम पे इधर साउथ इंडिया आया था, और तब से मैं इधर साउथ इंडिया में ही हूँ। और मुझे साउथ इंडिया, अगर मैं बात साउथ इंडिया की करूँ, तो साउथ इंडिया मुझे बेहद पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ तमाम प्रकार की वैरायटीज़ देखने को मिल रही है मुझे, खाने से लेके रीति रिवाज, परंपरा, कल्चर, हर चीज़ में। वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अभी तक ज़्यादा साउथ इंडिया को एक्सप्लोर नहीं किया है, बट जितना ही किया है मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि जो हमारी जो एंशिएंट वैल्यू है, जो हमारा एंशिएंट कल्चर है, वो पूरे इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे सेव है, कहीं ड्राफ्ट होके पड़ा हुआ है, तो वो जगह है साउथ इंडिया। इंडिया के अंदर आपको एक से एक ऐसी कंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, ऐसे आर्किटेक्चर मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं हैरान कर देगा ये सोचने को कि हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन कितना उम्दा हुआ करता था। जैसे अभी मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा सैंपल के तौर पे। ये देखिए, पत्थर के ऊपर की गई कलाकृतियाँ कितनी प्यारी है। ये स्कल्पचर्स, पहले के ज़माने में स्कल्पचर्स हुआ करते थे, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो शिल्पकार, जो पत्थर के टुकड़ों पे एक अच्छी आकार देते हैं। तो कितनी अच्छी शिल्पकारी की गई है इन पत्थर में, ये काफ़ी पुराना है। एक और मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये कितनी प्यारी स्कल्पचर्स की गई है यहाँ पे, और ये पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है, हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन, वो काफ़ी उम्दा हुआ करती थी। और ये गेट देखिए, पत्थरों के टुकड़े से मिलकर बना हुआ है। ये खंडर जो है, ये किस लिए बनाया गया होगा? हाँ, कुछ होम या जाप करने के लिए। वो देखिए, मैं वहाँ जा तो नहीं सकता, मगर जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, यहाँ हवन कुंड है ये। तो मेनली पुराने टाइम में, जब राजा महाराजा के टाइम में यहाँ पे लोग हवन किया करते होंगे। और अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो अभी के टाइम में हम लोग कंक्रीट यूज़ करते हैं, सीमेंट यूज़ करते हैं, और ईंट की यूज़ करते हैं बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। मगर आप अगर इन पत्थर को गौर से देखिएगा, पत्थरों के पहाड़ का टुकड़ा है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बगल के ही इस माउंटेन से लिया गया होगा, और फिर इसको शेप में डाला गया होगा, इस माउंटेन से ही लेके इसको शेप में डाला गया होगा। खैर, जो भी हो, अगर आप मेरे पीछे की ये गेट देख पा रहे होंगे, तो ये गेट अगर देख पा रहे हैं, तो एक मिनट रुकिए, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। पहले इस पर क्या लिखा हुआ है, ये तो मुझे भी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये तेलुगु में लिखा हुआ है, और तेलुगु मुझे पढ़ना आता नहीं है। और बात अगर मैं इस गेट की कंस्ट्रक्शन की करूं, तो ये देखो, पत्थर के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर, उसमें कुछ डिज़ाइन किए गए हैं, हाँ, और बड़ा बड़ा पत्थर यहाँ रखा गया है। तो बेसिकली इतने बड़े पत्थर को उठाने के लिए उस टाइम में, तो अभी के जैसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था। अभी तो हम लोग JCB की यूज़ करते हैं भारी भारी सामान को उठाने के लिए, मगर उस टाइम में JCB नहीं हुआ करते थे। तो मे बी ये जो है
हाथी या फिर किसी जानवर, किसी उम्दा जानवर, किसी हट्टे कट्टे जानवर का इस्तेमाल करके ये पत्थर यहाँ ला के यहाँ ये गेट बनाया गया होगा। इस पर एक डिटेल वीडियो मैं लाने वाला हूँ। फ़िलहाल मैं साउथ इंडिया के एक गांव पेनुकोंडा में रुका हुआ हूँ, जहाँ की अपनी एक अलग ही ऐतिहासिक वैल्यू है, जिसको लेके मैं एक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने वाला हूँ। और काम वीडियोस का काम जो है वो चालू है। ये जो न्यूली कंस्ट्रक्शन ये देख रहे हो आप, ये पुल टाइप का, ये रिसेंटली स्टार्ट किया गया है, बस एक अच्छे व्यू के लिए इस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे ग्रो करने के लिए। ये लेक जो अभी आप देख पा रहे हो, ये इसी गांव की एक बहुत ही पुरानी लेक है, जो उस ज़माने में लगभग 17th और 16th सेंचुरी में यहाँ के लोगों का जो है मेन वाटर रिसोर्स हुआ करता था, चाहे वो बारिश का टाइम हो और या फिर लोग नॉर्मल डेज हो, उन सभी दिनों में ये यहाँ की मुख्य पानी की स्रोत हुआ करती थी। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, ये लेक जो है यहाँ की ओल्ड टाइम वाटर रिजर्वर है, तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे सेम चीज़ें मेंशन भी की गई है कि नो वाटर नो लाइफ, सेव वाटर एंड डू योर पार्ट। सो वेल, अगर मैं बात अपने YouTube ऑडियंस की करूँ कि मेरी YouTube ऑडियंस कैसी है, तो मैं कल रात में जान पाया हूँ जब आफ्टर चेकिंग माई YouTube एनालिटिक्स दैट कि मेरी YouTube ऑडियंस में से 100% पब्लिक जो है वो 18-24 ईयर्स के बीच की पब्लिक है। और जिसे 18-24 ईयर्स के बीच के पब्लिक को आप क्या कह सकते हैं, यंग कह सकते हो आप, तो जो काफ़ी यंग है। तो इस यंग पब्लिक के लिए मुझे कैसी कंटेंट क्रिएट करनी चाहिए जो ये पब्लिक पसंद करेंगे, मुझे अपने रीच को बढ़ाना है। मैं हर उम्र के लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, नॉट फॉर अ लिमिटेड। सो मैं इस चीज़ को अभी देख रहा हूँ कि मुझे कैसी कंटेंट क्रिएट करनी है। और मैं एक चीज़ एश्योर कर सकता हूँ आप लोगों को कि कंटेंट जो होगा वो मैं बहुत ही प्यारा कंटेंट देने वाला हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को काफ़ी वैल्यू मिलने वाली है। सो मेक श्योर टू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। तो बात मैं स्कल्पचर्स की कर रहा था, तो ये देखो यहाँ काफ़ी सारे पत्थर के स्कल्पचर्स हैं, जो ये दर्शाता है कि पुराने समय में यहाँ जो है काफ़ी अच्छे स्कल्पचर्स हुआ करते हैं। ये काली बिल्ली यहाँ क्या करने आई मुझे पता नहीं, मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, मुझे ये दिखी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी आज के अपने ब्लॉग का पार्ट बना लिया जाए। काफ़ी डरावनी है मगर बिल्ली तो बिल्ली है। ए हाय, ए काली बिल्ली पब्लिक को हाय बोल दो यार। अभी मैं वहाँ पे शिवा पार्क के पास शूट कर ही रहा था कि इसी बीच जो है मुझे कॉल्स आ गए इंटरव्यू के लिए, जो कि एक चाइनीज़ इंटरप्रिटेशन रोल के लिए था। तो पहला राउंड मैंने कर लिया वहीं पे, और दूसरे राउंड के लिए उनने अभी शेड्यूल किया है। सो उस चीज़ को मैंने वहीं पे रहने दिया, उस शूट को। वो शूट मैं जो पेनुकोंडा की ब्लॉग आने वाली है, पेनुकोंडा का जो डॉक्यूमेंट्री वीडियो आने वाला है, उस चीज़ में मैं उसको थोड़ा क्लियरली दिखाऊंगा। और उस चीज़ को अभी छोड़ दिया, फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ अपने रूम पे, क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है। सो विश मी लक। पता नहीं मेरे साथ हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं वीडियोज़ बनाने को लेकर सीरियस होता हूँ, तब पता नहीं रिक्रूटर्स को कहाँ से पता चल जाता है और वो मुझे इंटरव्यूज़ के लिए कॉल करते हैं। तो और फिर ना मैं घर का रहता हूँ और ना घाट का, ना इंटरव्यूज़ के लिए तैयार कर पाता हूँ खुद को और ना वीडियोज़ के लिए, उसमें पता चलता है कुछ भी नहीं। यहाँ के स्कूल्स में अभी छुट्टी हुई है, तो बच्चे घर को जा रहे हैं और पेरेंट्स भी आए हैं बच्चे को रिसीव करने के लिए। यहाँ के स्कूल्स के सिस्टम्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं स्कूल के अंदर जाके पता तो नहीं कर पाया हूँ, मगर ये मेंटेनेंस देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ चीज़ें जो है काफ़ी डिसिप्लिन्ड वे में होती है। और बच्चे, आपको सारे बच्चे ड्रेस में मिलेंगे, एवरी चिल्ड्रेन इज फिटिंग ड्रेस और वर्क। सो
यहाँ चीज़ें काफ़ी डिसिप्लिनड वे में होते हैं, और डिसिप्लिन जो है वो मोस्ट नेसेसरी चीज़ होती है किसी भी चीज़ को रियली मूव करने के लिए, और किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को सही से करने के लिए डिसिप्लिन बहुत मैटर रखता है। स्कूल में इस छुट्टी वाले सीन को देखने के बाद डायरेक्ट अपना बचपन ही आ जाता है ना, क्यों बच्चे है ना। इन बच्चों का भी छुट्टी हुआ है, ये लोग घर जा रहे हैं, सुबह से बेचारे होंगे स्कूल में, अभी जाएंगे घर, फटाक से ड्रेस खोलेंगे और फिर खेलने को भागेंगे सारे, ये सीन है। अगर मेरे सब्सक्राइबर लिस्ट में आप लोगों में से कोई ऐसा है जो जिसका खुद का यूट्यूब चैनल हो, जो ब्लॉगिंग करता हो या फिर यूट्यूब करता हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे हाई करें। और फ़िलहाल मैं अपने घोंसले में पहुंच चुका हूं, और चूँकि मैंने अभी तक अपना खाना नहीं खाया है, लंच नहीं किया आज मैंने, तो अभी मैं लंच करूँगा। और ये देखो मैं गया बाहर तो मुझे याद आया कि मैं कांदा भी लेना है, क्योंकि मेरे यहाँ कांदा ख़त्म था तो मैंने कांदा भी ले लिया। और बात है लंच करने की, तो लंच मेरा बना हुआ है, अभी दिखाता हूँ कि मैंने आज लंच में क्या बनाया है। ये दाल तैयार है, और ये सब्जी भी तैयार है, और ये चावल, तो बहुत तेज़ भूख लग रही है। सो खाना रेडी है, खाना खाते हैं और फटाफट काम पे लगते हैं, क्योंकि अभी मुझे एक क्लास भी लेना है, ऑनलाइन क्लास भी लेना है, और फिर इंटरव्यू के लिए भी तैयार करना, और इस वीडियो को एडिट करके आप लोगों के लिए डालना भी है। सो #10days वाला चैलेंज अभी कंटिन्यू रहेगा, ये #10days का फर्स्ट डे है, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ये अभी आना बाकी है और आएगा। और मुझे पता नहीं इन रिक्रूटर्स को कैसे पता चल जाता है मेरे वीडियोज़ के बारे में, जब भी मैं वीडियोस बनाना चालू करता हूँ तो इनको कहीं ना कहीं से पता लग जाता है और ये इंटरव्यू के लिए कॉल कर देते हैं, तो मैं ना ही वीडियोस का रह पाता हूँ ना ही इंटरव्यूज़ का, फिर लुट जाते हैं। तो एनीवे एक साथ दो काम नहीं होती है, बट करना पड़ेगा, हालात ही कुछ ऐसे हैं, करना पड़ेगा। एनीवे दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।